क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलने के लिए आए। हम आपकी नज़र को बदलना चाहते हैं। नज़र बदल जाएगी तो नज़रिया बदल जाएगा। हम आपकी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। हम आपके दिशा को बदलना चाहते हैं। दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। यानी हम आपको सम्यक दर्शन देने के लिए आए हैं। और आपको कुदरत का कानून क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, व्हाट इज द रियलिटी क्या है, सत्यता क्या है, वो हम बताने के लिए आपको आए हैं इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम में। और ये इसलिए बताया जाता है कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में हमारी आत्मा। हम हर बार यही कहते हैं, सबसे पहले जो हमारी आत्मा की हमने प्राण प्रतिष्ठा करके अपने भीतर विराजित कर दिया है, और उसी से प्रार्थना करके हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और भीतर से जो बात आती है बिना किसी किताब को देखे, बिना किसी को रट करके, कोई चीज पूर्व निर्धारित करके जो है बात नहीं कही जाती है। जैसा भीतर प्रभु विराजमान है, और प्रभु जो है जब हम उनको समर्पित डेडिकेटेड होकर के जो चीज हमारे को बताते हैं, वो अनुभव वाणी आप तक प्रसारित करते हैं। इसके अंदर हमारा कोई योगदान नहीं है। प्रभु ने जो बताया वो ये हमारा टेप रिकॉर्डर है, वो आप तक बात पहुंचाता है। तो भाई और बहनों, आज हम इसी क्रम के अंदर एक बड़े सुंदर एपिसोड के माध्यम से आपको सारी बात बताना चाहते हैं। तो आज का हमारा विषय भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान। बहुत ही सुंदर विषय है। भेद का मतलब है कि न्याय करना, अलग करना। एक को अलग करके दूसरे को अलग करते हैं तो वो भेद विज्ञान कहते हैं। जैसे कि यह हाथ जुड़ा हुआ है और ये मैंने दोनों को अलग कर दिया, ये भेद विज्ञान हो गया। और इसको वीतराग विज्ञान भी कहते हैं। वीतराग विज्ञान का अर्थ यह है कि हमारी आत्मा पे जो कर्मों का बॉन्ड है, उस कर्मों का बॉन्ड है वो राग द्वेष है। उस राग द्वेष को समाप्त कर देते हैं तो हमारी आत्मा वीतराग बन जाती है। और ये कब कैसे होता है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने से ही होता है। ये रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ की अवस्था के अंदर ही होता है। तो हम ये भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान की आज चर्चा करेंगे। इसको जो है वो उसको जो अक्रम विज्ञान भी कहा जाता है और क्रमिक विज्ञान भी कहा जाता है। सबका अर्थ एक ही है और उसमें सभी ये बातें आई हुई है। वीतराग बनने की प्रक्रिया है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए वीतरागता। अल्टीमेटली हमें राग छोड़ करके वीतरागता की तरफ जाना है। और हमें जितना भी इंद्रिय सुख जो है, हमारी इंद्रियां बाहर की ओर भाग रही है, उसको भीतर ही और को खींच करके प्रतिसलीनता करनी है। हम जो है बहिर्मुखी हो गए, उसको अंतर्मुखी करना है। जब अंतर्मुखी होंगे तो हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान है, उसके साम्राज्य के हम दर्शन करेंगे। और उसका साम्राज्य कितना बड़ा है, बाहर जो हम इंद्रियों से जो दृश्य देखते हैं वो तो एक सीमित दृश्य है, लेकिन उसका जो भीतर का जगत है उससे कई कई गुना बड़ा है। बड़ा भी है और वो आनंददायी भी है। वहाँ हमको ट्रुथ के दर्शन होते हैं। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ये दर्शन में भीतर के जगत में होते हैं, हमारे अवचेतन मन के अंदर होते हैं, हमारी लेशियों के द्वारा माध्यम से होता है, और हमारा तेज शरीर के माध्यम से होता है। ये भीतरी जगत में सारा रूपांतरण चलता है और बाहरी जगत है उसकी अभिव्यक्ति है। तो हम भेद विज्ञान करने से क्या होता है कि शरीर अलग, आत्मा अलग, दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों साथ रहने के बावजूद भी दोनों अलग अलग है। ये चिंतन करना जो है हमारा भेद विज्ञान है, ये चिंतन करना सम्यक दर्शन है। और उससे क्या होता है कि ये जो हमने अलग किया, इसका मतलब आत्मा को अलग किया, शरीर को अलग किया, तो आत्मा की प्रॉपर्टी क्या? आत्मा की प्रॉपर्टी तो ज्ञाता दर्शा है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है। ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है। और ये अजर है, अमर है, अमूर्त है। और
ये जन्म मरण से मुक्त है, इसकी हजारों हजारों तरह की जो है इसके जो गुण होते हैं वो हम याद कर सकते हैं। जितने जितने आत्मा के गुणों को हम याद करेंगे उतने उतने हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट होगा और हम अपने आत्मा के पाले में रहेंगे। और दूसरा जो है ये हमारा शरीर है, ये शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। प्रश्न ये है कि शरीर जनरेट कैसे हुआ, ये शरीर कैसे बना। ये शरीर बनने का कारण ये है कि हम जिस इस जन्म के अंदर हम जैसे कॉज डालते हैं, जो हमारे सामने पूर्व जन्म की फिल्म चल रही है वो फिल्म खुल रही है, मन वचन काया की तीनों बैटरियां खुल रही है, गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, उस तरीके से ये सारे पृष्ठ खुल रहे हैं। जैसे कि फिल्म के अंदर जो है वो एक के बाद दूसरा शॉट आता रहता है और हम देखते रहते हैं, तो ये हमारे जीवन की 60-70-80 साल जितना आयुष्य है उतनी फिल्म चलती रहती है। उस फिल्म को अलग मानना, मैं फिल्म नहीं हूँ, मैं तो फिल्म देखने वाला हूँ, फिल्म तो जो है जड़ है और मैं चेतन हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ और ये फिल्म है वो अपना काम कर रही है, उसके साथ जुड़ना नहीं, तन्मयाकार नहीं होना और उससे उसके साथ प्रभावित नहीं होना। जुड़ने का मतलब उससे प्रभावित नहीं होना। कई बार क्या होता है फिल्म के अंदर जब किसी हीरो या हीरोइन को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता है गुंडों के द्वारा तो वो तकलीफ दे करके लोग रोने लग जाते हैं, यानी रोने का अर्थ ये कि वो तो नकली है, वो तो फिल्म नकली है, वो तो रिकॉर्डेड की हुई फिल्म है और जो जो बना है जो हीरो हीरोइन बनी है वो सही रूप में नहीं है, वो तो प्लेयर है, वो तो रंगमंच पर खेलने वाले जो है अभिनय करने वाले हैं। तो आप उसमें रोते हो, मतलब जुड़ गए आप, तन्मयाकार हो गए आप, उसे अटैच हो गए और आपके अटैच होने से तन्मयाकार होने से आपने कॉजेज डाल दिए, कर्म बीज डाल दिए, वो अगले भव के लिए आपने प्रतिष्ठित आत्मा तैयार कर ली। ऐसे हमारे जितने जितने हम कॉजेज डालते रहेंगे, जितने जितने जो है हम जो है ओपिनियन देते रहेंगे, अभिप्राय देते रहेंगे तो हमारे कॉजेज खड़े होते रहेंगे और अगले जन्म के अंदर हमको उस रूप के अंदर फिर भुगतना पड़ेगा। तो भाई और बहनों ये भेद विज्ञान क्या करता है कि भेद विज्ञान दोनों को अलग करता है। हमारी मानसिकता के अंदर एक बात इतनी फिट हो जाती है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं लेकिन हम बिल्कुल दोनों अलग हैं और अंतिम क्षण तक जो है ये जागृति रहनी चाहिए कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर तो कर्म भुगतान के लिए। जब ये हमारा चिंतन हर क्षण रहेगा जिसको हम जागृति कहते हैं तो हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को क्लियर करते हैं कि हम इस स्थिति में कैसे रहें, उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी। आप देखिए कि एक डॉक्टर जो है वो एक व्यक्ति को बेहोश कर लेता है तो बेहोशी की अवस्था में उसका ऑपरेशन करता है तो उस ऑपरेशन के समय में क्या बात होता है, किसी का तेजस शरीर सक्रिय होता है तो तेजस शरीर जो है वो अलग निकल करके उस प्रक्रिया को पूरा देखता रहता है। और क्यों कई बार ऐसा होता है कि जिस स्थान का जो है ऑपरेशन करना होता है उसी स्थान को सुन्न किया जाता है, पूरा शरीर की उसकी सेंस जो है वो हाजिर रहती है, उसमें से हमारा तेजस शरीर निकल के उस पूरी प्रक्रिया को देखता है और वो देख करके वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, उसको रियलिटी में मालूम हो जाता है, देखो मैं बाहर निकल गया, मैं शरीर से अलग हो गया तो मैं तो जो है ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, ये शरीर अलग है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण ये है कि हमारे शरीर के अंदर कोई तकलीफ आए, बहुत बड़ी वेदना आ जाए, उस वेदना को देखना सीखो। सबसे बड़ी बात है जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है उसको देखना कि प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये मान के चलिए आप तो जो है वो पहली मंजिल के ऊपर खड़े हैं बालकोनी के अंदर और नीचे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे अलग है, मैं अलग हूँ तो मैं तो देखने वाला हूँ, ये जो बच्चे खेल रहे हैं मैं खेलने वाला नहीं हूँ, ये अलग है मैं अलग हूँ। हर क्षण जो है आपको इनका अलगाव की स्थिति रहनी चाहिए कि ये तो जड़ है,
ये तो कर रहा है, इसको चार्जिंग मैं ही कर रहा हूँ। ये जड़ को जो आत्मवत बनाने के लिए रोल है हमारा, आत्मा का है। आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा अनंत चित्तों वाला है। अनंत चित्तों वाला क्यों कहा गया है कि चित्त को कहते हैं, आत्मा की शक्ति को चित्त कहा जाता है। ये आत्मा की शक्ति एक एक कोशिका के अंदर डाली जाती है। एक एक भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये भेद विज्ञान और आप जो ज्ञाता दृष्टा भाव अकर्ता भाव है, इसको पूरा बनाए रखें। इसको जितना जितना बनाए रखेंगे, जो जो आपकी दृष्टि निर्मल होती जाएगी, और दृष्टि निर्मल होने से आप कभी किसी न किसी अवस्था में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। तो इसीलिए इसी क्रम के अंदर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो आपके प्रति मंगल भावना है। क्या मैं कहीं करूं? अच्छा, वहां से चालू करूं? हाँ ठीक है, बोल दूंगा। वही मैं ही सोच रहा था, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भेद विज्ञान की, वीतराग विज्ञान की, कि भेद विज्ञान के अंदर दोनों को अलग अलग मानना। जैसे कि इस दुनिया के अंदर दो तत्व होते हैं, जड़ होता है और चेतन होता है। ये मानसिकता हमारे भीतर क्लियर होनी चाहिए कि जड़ तत्व अलग है, चेतन तत्व अलग है। हमारा शरीर ये मिश्रण है, इसके अंदर जड़ भी है और चेतन भी है। हर क्षण हमको ये जागृति बनी रहनी चाहिए। ये जागृति को प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, कुछ उदाहरण हमने दिए हैं और हम उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि देखिए कि हम जो है वो ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर जाते हैं तो हमारी ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन स्पीड में होती तो बाहर के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो भी इस ट्रेन के साथ साथ में चल रहे हैं। तो हमको एकाकार नहीं होना है कि वो पेड़ पौधे अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ और वो चीज़ अलग है। तो हरेक के अंदर डबल दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इसको द्वैत कहा जाता है, और ये द्वैत जब हमारे में पुष्ट होता है, तो द्वैत पुष्ट होने से वेदांत की भाषा में हम अद्वैत बनते हैं। वेदांत क्या कहता है कि भेदा भेद की प्रक्रिया बताता है, और अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्माष्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मतलब जब उसको ज्ञान मिल जाता है जीव को, तो वो जीव या ब्रह्म के अंदर जब विलीन हो जाता है तब उसकी मुक्ति होती है, और जब तक विलीन नहीं होता है तब उसमें द्वैत रहता है। विलीन होते ही वह अद्वैत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमारा द्वैत कब, ये हमारा अद्वैत कब आएगा कि द्वैत पुष्ट हो जाएगा। ये सारा दुनिया का जो है जोड़ा है, स्त्री का, पुरुष का, लाभ का, हानि का, और पूर्व का, पश्चिम का, और सूर्य अस्त होने का, सूर्य जो है उदय होने का, सभी चीज़ के जो रात है, दिन है, सभी चीज़ों के जोड़े बने हुए हैं। उन जोड़ों को भिन्न भिन्न मानना। प्रश्न ये होता है कि हम तन्मयाकार हो जाते हैं जब हमें किसी तरह की तकलीफ आती है या किसी तरह का दुख आ जाता है, तो उस दुख के अंदर लिप्त हो जाते हैं। हमको निर्लिप्त रहना चाहिए, हमको गीता की भाषा के अंदर निष्काम कर्म के अंदर रहना चाहिए। हम कर्म भोगने लग जाते हैं, हमें भोगना नहीं है, हमको देखना है। जब व्यक्ति भोगने लग जाता है तब वो तन्मयाकार होता है, जब वो देखता है तो ज्ञाता दृष्टा भाव होता है। तो ये देखना और जानना है, ये मुख्य जो है जागृति है, ये मुख्य प्रैक्टिस की बात होती है। और व्यक्ति धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो ये एकदम पुष्ट हो जाता है। क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि पानी चढ़स से निकाला जाता था, चढ़स जब पानी के अंदर डुबाया जाता तो उसको चढ़स को चलाने के लिए जो टेपर जो है वो गहरा जो है एक जो है बनाया जाता था पृथ्वी के अंदर, और उसको उसके अंदर फिर व्यक्ति गहरा गहरा जाते थे बैल, और फिर छोड़ दिया जाता था, पानी बाहर आता था। तो ये रस्सी जो घूमती थी, ये पत्थर के ऊपर घूमती थी, जो कि खींचते थे बैल है,
तो उससे क्या है कि इस पर सल पड़ जाता था इस पत्थर के। उसी तरीके से कहा जाता है कि इसको बार बार अभ्यास कराने से मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो इसीलिए जो है हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और ये प्रैक्टिस कब होती है कि हम बार बार इसको एक बात को स्थिर कर देते हैं दिमाग के अंदर, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, ये शरीर करने वाला है, ये भोगने वाला है, और हम क्या इसको एक मान लेते हैं। एक मानने से कर्ता हो जाता है, ये शरीर मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत और मेरे बेटे, मेरा मेरी पद, मेरा प्रतिष्ठा, हम उसमें तन्मयाकार हो जाते हैं। ये तन्मयाकार होना, एकाकार होना जो है ये हमारा अद्वैत हो जाता है। हमें अद्वैत दूसरी दिशा के अंदर होना है। अद्वैत का मतलब ये हमारी आत्मा और जो शरीर का जो मिश्रण है उसको धीरे धीरे इस मिश्रण को समाप्त करके, जड़ को हमें समाप्त करना, वो कार्बन शरीर है उसको समाप्त करते हैं तो हमारी आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। ऐसी प्रक्रिया हमें करनी है। तो भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान। वीतराग का क्या अर्थ होता है? वीतराग का अर्थ होता है राग संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। अहंकार जब संपूर्ण समाप्त हो जाता है, अहंकार का एक परमाणु भी हमारे भीतर में नहीं होता है, तब हम वीतराग बनते हैं। और वीतराग की अवस्था के बाद के अंदर हमें जो है धीरे धीरे मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। सम्यक दर्शन से हम स्टार्ट हुए थे और बढ़ते बढ़ते हम वीतरागता की अवस्था तक पहुंचते हैं। सम्यक दर्शन होते ही हम अंतरात्मा हो जाते हैं और अंतरात्मा होने के बाद में उसकी स्टेजेज है वीतराग बनते हैं, और वीतराग बन करके केवल ज्ञानी बनते हैं, और केवल ज्ञानी बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त रूप में परमात्मा बनते हैं। केवल ज्ञान भी अपने आप में एक परमात्मा होता है, केवल ज्ञानी। तो भाई और बहनों, ये इसको समझने की ज़रूरत है। जितना जितना हम इसको समझते जाएंगे उतना उतना जो है हमारा विकास होता जाएगा। हमारी समझ को खुला करना है कि हमारी समझ है किस तरफ जा रही है, क्या वो शरीर की तरफ तन्मयाकार हो रही है या ज्ञाता दृष्टा भाव की ओर तन्मयाकार हो रही है, उसका तन्मयाकार किधर है। भेद विज्ञान को सीखने का अर्थ यही है कि सेपरेट सेपरेट हम हमारे सामने दो तरह के जगत है, एक तो व्यवहार जगत है और एक निश्चय जगत है। निश्चय जगत है हमारा ज्ञाता दृष्टा का है, और हमारा व्यवहार जगत है वो शरीर का जगत है, वो भोगने का जगत है। क्यों हम पीछे से लेके आते हैं, कोई बुरा नहीं है, बुराई नहीं है, हमें व्यवहार को भी चलाना पड़ेगा। और व्यवहार शुद्धि से ही निश्चय शुद्धि होगी। तो इस व्यवहार के अंदर जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, इस शरीर के जो हमारे जितने रिश्ते हैं उनको हमें अच्छा मधुर बनाए रखना है। पर मधुर बनाए रखने में हमेशा हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तो व्यवहार निभा रहे हैं लेकिन मैं इससे कुछ अलग हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ऐसा नहीं उसके अंदर लुप्त हो जावे, उसमें हम एकाकार हो जावे, तन्मयाकार हो जावे, उसके अंदर मोह के अंदर बंध जाए, उसको ही सच्चाई मान लें। जो भेद विज्ञान वीतराग विज्ञान क्या कह रहा है कि जो कुछ हमारे साथ व्यवहार जगत में घटित हो रहा है उसी को सच्चाई नहीं माननी है, सच्चाई उससे परे है, क्योंकि वो तो हमारा व्यवहार है, वो तो हमारा लोक व्यवहार है, वो तो हमारा जड़ का जगत है, लेकिन मैं तो चेतन हूँ, मेरा जो मुख्य तत्व, मैं तो अमूर्त हूँ, मैं तो अमूर्त हूँ, और ये जड़ है वो दिखाई देता है और चेतन दिखाई नहीं देता है, लेकिन कर्ता सब कुछ चेतन है, इसलिए इस भावना को पुष्ट करना है। तो भेद विज्ञान के होते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और उसके साथ साथ में हम दो अलग अलग भागों के अंदर बढ़ जाते हैं। 24 आवर्स जो है हमारे अंदर ये जागृति पैदा हो जाती है कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस तरीके से ये जब एक हमारे भीतर जो है वो हमारे अस्थि मज्जा के अंदर ये भावना चली जाती है तो जाने के बाद स्थिर हो जाती है। इस भावना को हमें अवचेतन मन तक ले जाना है, हमारे तेजस शरीर तक ले जाना है। जो बात हमारा रूपांतरण है वो सारा तेजस शरीर और अवचेतन मन में होना है। तो ये हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव को हम फिट कर दें, हम अवचेतन मन के अंदर फिट कर दें, हम अकर्ता भाव को अवचेतन मन में फिट कर दें, और हम ये फिट कर दें
कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो अकर्ता हूँ। व्यवस्थित शक्ति को जो है साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कहते हैं, और रियल और रिलेटिव उसके अंदर हम फिट कर देंगे जो कुछ भी। ये जो लोगों के जो है हार्ड मास के पुतले दिखाई दे रहे हैं, ये पैकिंग रूप में, ये रिलेटिव, ये भी जरूरी है। पैकिंग के बिना प्रभु कहाँ पर रहेगा? लेकिन प्रभु इससे शुद्ध आत्मा अलग है, वह हर शुद्ध आत्मा निर्दोष है, उसको निर्दोष मानना है। तो इस तरीके से हम वेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान को प्राप्त करके इसको आगे बढ़े, और ये प्राप्त होता है ज्ञानी से, अनुभवी से, अच्छे गुरु से, उसकी कृपा से, और हमारे कर्मोदय से होता है। जब हमारा शुभ का उदय आता है, जिसको कि हम जो है पुण्योदय कहते हैं, तो हमें उस शुभ के उदय से जो है ये अंतरात्मा बनने का चांस मिलता है, भेद विज्ञान मिलता है, वीतराग विज्ञान मिलता है, और हम आगे से आगे तरक्की, जैसे कि एक व्यक्ति होता है अपने व्यक्तित्व का विकास जो करता रहता है, तो उसी तरीके से हमारा ये व्यक्तित्व है उसका विकास होता रहता है, हम क्रमशः आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को अगर हम कसौटी पर कसें, तो हर व्यक्ति अगर भेद विज्ञान के फॉर्मूले पर चलता है, ये 7 अरब की जनसंख्या सभी अगर भेद विज्ञान के फॉर्मूले पर चलें कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों यौगिक है, ये शरीर और आत्मा यौगिक है, हम दोनों को अलग रख करके और अलग अलग तरीके से इसको डील करेंगे, दोनों साथ रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहवास जो है इस नेचर का जो है मुख्य उद्देश्य है, और सबको करना ही पड़ता और करना ही चाहिए, ये हमारा अनुशासन है। हमारे शरीर में भी 60 खरब कोशिकाएँ होमोस्टेटिक कंडीशन के अंदर 60 खरब कोशिकाएँ अपना अपना काम करके, कईयों की विरोधी नेचर है, इसीलिए हमारे जैन धर्म में कहा जाता है हर वस्तु अनेक धर्मात्मक है, यानी उसमें बहुत से विरोधी धर्म एक साथ रहते रहे तो क्या तकलीफ है, हमको कोई तकलीफ, हम तो सामंजस्य में रहने वाले, हम तो एडजस्टमेंट करके रहने वाले, हम तो संभाव में रहने वाले हैं, तो उस स्थिति में रहना कोई बात अलग नहीं है, परंतु बात कोई गलत नहीं है, परंतु हमारे को तो हर वक्त जो स्थिति बनी रहनी चाहिए वेद विज्ञान के अंदर कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर एक हूँ, उसको एक नहीं मानना, तन्मयाकार नहीं होना, और हमें अगर तन्मयाकार होना है तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, संवर की स्थिति में रहना है, प्रज्ञा के साथ तन्मयाकार होना है, संभाव के अंदर तन्मयाकार होता है। संभाव में तन्मयाकार रहने का क्या अर्थ होता है कि देखिए, हमारे को कोई गाली देता है तो गाली देते ही हमारे मन में गुस्सा आता है, और हम पुनः एक ही जगह 2 और 4 गालियां देते हैं, तो ये तो क्या हो गया कि ये तो एक विरोध आपने जता दिया, ये तो आप उसके साथ तन्मयाकार हो गए। आपको संभाव क्या करना है, आपको ये सोचना है कि जो गाली दे रहा है ये व्यवहार इस शरीर का है, और गाली दे रहा है वो अपने आप नहीं है, इस शरीर ने उसको बुलाया है, इसका कोई हिसाब है, वो हिसाब चुकता करने का है। बाकी दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं है कि कोई किसी को गाली दे, कोई किसी के दरवाजे आए, कोई किसी से कॉन्टेक्ट करे, हो ही नहीं सकता। अगर हिसाब बाकी नहीं है तो ये 7 धर्म की जनसंख्या है, ये असंख्य असंख्य जीव है, तो ये हर एक दूसरे से थोड़े ही मिलते हैं, जिनका जिनका लेना है, किसका देना है, डेबिट या क्रेडिट, हम बैंक के अंदर इतने बैंक हैं, एक ही बैंक में हमारा अकाउंट क्यों होता है कि वो डेबिट क्रेडिट रहता है, उसके अंदर कुछ लेना होता है, देना होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये कार्यक्रम हमारा आत्मविज्ञान देखते रहिए, इसमें आपको ऐसे सूत्र मिलेंगे कि आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा, आपको एक नई दिशा मिलेगी, नई दृष्टि मिलेगी, नई सृष्टि पैदा हो जाएगी, क्योंकि इसके सेंटर के अंदर आत्मा है, आत्मा की बात बताई जाती है, आपके स्वयं की बात बताई जाती है। हम इधर उधर किसी की बात नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते, हम तो रियलिटी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच,